चीन के तियानवेन वन मिशन ने पृथ्वी से 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर कैसे ली अपनी सेल्फी। वैज्ञानिकों द्वारा प्लूटो के आइसी माउंटेन्स के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए 8 देशों ने साइन करा एक कॉन्ट्रैक्ट और इसरो द्वारा जल्द ही लॉन्च करा जाएगा अपना PSLV C-49 रॉकेट। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं स्पेस अपडेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की पहली अपडेट चाइना के तियानवेन वन मिशन के द्वारा ली गई अपनी पहली डीप स्पेस इमेज को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि चीन ने अपना तियानवेन वन मार्स मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल था। अब हाल ही में मिली हुई अपडेट से यह पता चला है कि तियानवेन वन मिशन अपनी तय करी गई स्पेस जर्नी को पूरा करते हुए अपने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुँचने की जर्नी में लगा है और ये अपनी 18.8 करोड़ किलोमीटर की जर्नी में से 11 करोड़ किलोमीटर की जर्नी को पूरा भी कर चुका है। और इस दौरान इस तियानवेन वन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा अपनी पहली डीप स्पेस सेल्फी को लिया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह फोटो इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा पृथ्वी से लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ली गई है और इसको इस स्पेसक्राफ्ट के एक कैमरे को स्पेस में छोड़कर लिया गया। जैसा कि आप चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा पब्लिक करी गई इस फुटेज में देख सकते हैं। बाकी चाइना का यह तियानवेन वन स्पेसक्राफ्ट फरवरी महीने के आखिर तक मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होगा और लगभग मई के महीने में इसका लैंडर मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग हम एक डिटेल वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो उसको आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज की दूसरी अपडेट प्लूटो के आइसी माउंटेन्स में आइस के फॉर्म होने को लेकर है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक नई स्टडी में प्लूटो के आइसी माउंटेन्स के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया। नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से मिले हुए प्लूटो के डेटा की स्टडी करने में वहां पर मौजूद माउंटेन्स के बारे में एक नई और अजीब जानकारी सामने निकल कर आई। जैसा कि पृथ्वी पर जो आइसी माउंटेन्स होते हैं उनमें जब बर्फ जमती है तो वह नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाती है, मतलब कि पृथ्वी पर जब आइस क्लाउड से बर्फ गिरती है तो वह नीचे से स्टार्ट होकर ऊंची ऊंची बर्फ की पहाड़ियां या फिर ग्लेशियर्स में तब्दील हो जाती है। लेकिन जब प्लूटो के पिकफेटा माउंटेन्स और एल्कोनो माउंटेन्स की स्टडी करी गई तब इस स्टडी में यह पाया गया कि प्लूटो के माउंटेन्स में इस आइस के सॉलिड होने का जो प्रोसेस है वह पृथ्वी की तुलना में बिल्कुल उल्टा होता है और वहां के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मीथेन गैस के सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तब यह गैस कंडेंस होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऊपर से नीचे की ओर जमने लगती है, जो कि पृथ्वी पर होने वाले फेनोमेना से बिल्कुल ही अलग है। बाकी नए नए ग्रहों और नए नए मून्स के बारे में मिलने वाली अलग अलग प्रकार की जानकारियां हमें यह बताती हैं कि अभी हमें हमारे सोलर सिस्टम में होने वाली अजीब प्रकार की गतिविधियों के बारे में कितना कम पता है और अभी हमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में ही कितना और जानना की है। आज की तीसरी अपडेट नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 8 देशों के साइन करे गए एग्रीमेंट को लेकर है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में मदद करने और चांद पर और ज्यादा मिशंस को भेजने और उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए 8 और देशों ने नासा के साथ उसके आर्टेमिस प्रोग्राम के बाद मून पर परमानेंटली ह्यूमन बेस के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट को साइन करा है। और जिन 8 देशों ने इस एग्रीमेंट को साइन करा है उन 8 देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, लक्समबर्ग, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद अब चांद पर नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के बाद इस दशक के लास्ट तक मून पर इंसानों की मौजूदगी बनाए रखने के लिए एक परमानेंट बेस बनाया जाएगा, जिस पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह ही परमानेंटली एस्ट्रोनॉट्स को भी रखा जाएगा और जहां पर रहते हुए वे मून के सरफेस के बारे में और डिटेल में जानकारी इकट्ठी करेंगे और साथ ही मून पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देंगे। बाकी इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए हिंदी स्पेस अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
आज की चौथी अपडेट इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अपने PSLV C-49 रॉकेट को लेकर है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस यानी IAC के सत्र में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन जी ने मंगलवार को यह कहा कि भारत ने स्पेस के फील्ड में और भी ज्यादा डेवलपमेंट के लिए 59 कंट्रीज के साथ लगभग 250 एग्रीमेंट्स पर साइन करा है, जो कि भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाने तथा स्पेस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले कई स्मॉल कंट्रीज को स्पेस डेवलपमेंट में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के जो मेन पार्टनर्स हैं वह रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और इजराइल हैं। विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ काम पर विस्तार से बात करते हुए डॉक्टर के सिवन जी ने कहा कि भारत का पहला गगनयान मिशन से लेकर कई ग्रहों की डिस्कवरी और संयुक्त प्रयोगों तक सहयोग के लिए साझेदारी की गई है। और इसी के साथ इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन जी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर बात करते हुए यह कहा कि भारत का गगनयान मिशन 2022 के अगस्त महीने तक लॉन्च किया जाना था, लेकिन चाइनीज वायरस के चलते इसके लॉन्च में हमें देरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी इसकी देरी को कवर करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा और इसकी जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी जाएगी उस पर काफी तेजी से काम करा जा रहा है, जिससे कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके से पहले भारत का यह पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद इसमें बैठे हुए एस्ट्रोनॉट अर्थ पर वापस आ जाएं। और इसी के लिए इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए बहुत ही तेजी से काम करा जा रहा है। बाकी गगनयान मिशन के जो 4 एस्ट्रोनॉट्स रशिया में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे उनकी ट्रेनिंग भी अब लगभग पूरी होने वाली है और मार्च 2021 तक उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और वह अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके भारत में आ जाएंगे। रशिया में उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी एक और ट्रेनिंग इसरो के द्वारा भी करी जाएगी, जिसमें कि वो अपने स्पेस सूट और अपना जो स्पेस मॉड्यूल है वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए कितना फिट है इसके रिगार्डिंग टेस्टिंग करेगी। और इसी के साथ डॉक्टर के सिवन जी ने इस साल लॉन्च होने वाले रॉकेट के बारे में पूछे जाने पर यह कहा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नवंबर में एक PSLV रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बना रही है और यह लॉन्च इस साल का PSLV रॉकेट का पहला लॉन्च होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इसरो के कई सारे मिशन प्रभावित हुए हैं। चाइनीज वायरस के चलते इसमें जो देरी हुई उसका जो कारण है वह यह है कि भारत की जो स्पेस एक्टिविटीज हैं वह देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। इसके कारण यहाँ के जो ऑफिसर्स और साइंटिस्ट होते हैं उनको अपनी लंबी जर्नी को पूरा करने के बाद इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचकर अपने काम को पूरा करना होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनकी यह जर्नी लगभग पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसके कारण इसरो में आगे के रॉकेट बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हो पाया। और अब जब सब कुछ कोरोना वायरस के बाद नॉर्मल होने लगा है तब इसरो द्वारा अपने PSLV C-49 रॉकेट को नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है और इस लॉन्च के बाद ही इसरो के फ्यूचर में किए जाने वाले लॉन्च की योजना बनाई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।